उस अजीब तकलीफ में मुबतला हो जाए और फिर दुनिया से चले जाए। मेरा गुमान है, मेरे यकीन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कभी ऐसा नशा है। हम खुद से अपनी गफलत अपनी कोताही से नुकसान होता है। मोटरसाइकिल कितने लोग चलाते हैं आप में से, कितने लोगों ने सीखी है, चलाई है वो आपका? जितने लोगों ने हाथ उठाया उनमें से आधे लोग मुजरिम हैं, जुर्म करते हैं। पाकिस्तान के कानून में इसके मुताबिक जब तक वो 18 साल के नहीं होंगे उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं चलाना। ये तयशुदा असूल जवाबित और कानून है, लेकिन हम इसको थोड़ा आसान कर देते हैं। अब वक्त बदल गया है, हमारा ये 15 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनका भी शऊर बढ़ा दिया। ये भी अगर मर्द है, जो 15 साल का बच्चा है तो जनरेशन गैप कुछ कम हो गया, वो 18 साल की उम्र जितना का मर्द है, जहीन है, तो कोई बात नहीं, इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं चाहिए। यार मोटरसाइकिल चलाते हैं, जाहिर है आप मोटरसाइकिल जब चलाते हैं तो अपने घर के काम काज माँ बाप आपके जिम्मे लगा दें, इसलिए आप चलाते हैं। आज का अल्लाह के रास्ते पर चलने के, इस मदरसे से जब फारिग होंगे तो आप क्या करेंगे? आपने अल्लाह के रास्ते में निकलना है, अल्लाह उसके नबी का पैगाम फैलाना है। तो फिर आज ट्रैफिक पुलिस मुताबिक को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये इज्जत दी, आपका साथ ग्राम आपके मस्जिद के निगरान है, जो इस मरकज के निगरान है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे मौसम के लिए वक्त दिया, सबको इकट्ठा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि ये लोग जो तबलीग करने जाते हैं, आज ट्रैफिक पुलिस आपको तबलीग करने आए हैं। जितनी बातें की हैं सुहेल ने, ये सब अल्लाह का पैगाम था। सूरत अल-माईदा में कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि जिसने एक इंसानी जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा दिया। कुरान कह रहा है, कुरान में कह रहा है कि हद से तजावज मत करो, अपने हदूद में रहो। अब हदूद क्या होती है? अपनी स्पीड, अपने कंट्रोल, हर चीज में हदूद का तय कर दिया गया। तो बच्चों, भाइयों, असाधा ग्राम, मेरा मौजू है माँ और पहले, माँ और पहले। आप दुनिया में आते हैं, जब चौथी आंख खोलते हैं आपको सबसे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत सिखाई जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिखाई जाती है, वालिदैन का इज्जत एहतराम और मोहब्बत सिखाई जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा जब आप बहुत कम उम्र थे दुनिया से चली गई, आपने नहीं देखा था वहां, लेकिन जब आप अपनी वालिदा की कब्र पर जाते थे तो घंटों वहां बैठकर रोते थे, अपनी माँ को याद करते थे। यह उसकी मोहब्बत, मां से मोहब्बत के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत से हमें मिली। आपने फरमाया कि मोहम्मद नमाज पढ़ रहे हो, अगर मेरी मां जिंदा होती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते और मां को पुकारती मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ के मां के पास जाता, मां क्या होगा? मां का इतना बड़ा रुतबा है, अल्लाह से तस्बीह दी गई थी 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। तो दोस्तों, मां का मैंने इसलिए इंतखाब किया आज के मौजूद में कि हमारे यहाँ माओ को बहुत दुख मिल रहे हैं, बहुत तकलीफ मिल रही है। हमारा सुबह पंजाब जिसमें हम रहते हैं सर, उसमें हर रोज 17 लोगों की डेथ हो रही है, 17 लोग अलग प्यारे हो रहे हैं अपनी गलती की वजह से, ट्रैफिक निजाम ने दुरुस्त ड्राइविंग ना करने की वजह से। उसके अलावा 400 लोग रोजाना जख्मी हो रहे हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का बाजू टूट जाता है, किसी को हेड इंजरी हो जाती है। हाँ, मैं किसी का दोस्त अजीज का कोई एक्सीडेंट हुआ, याद हुआ आपको,
लाजमी हमारे यहाँ।